संगठन के कार्यकर्ता के लिए हम अपना खून का एक एक कतरा भी बहा सकते हैं उसके कार्य के लिए। कि अधिकारियों को देखिए, हमारी बड़ी विनम्र बात करते हैं हम अधिकारियों से, यदि जिसको आंख दिखाने की बात करनी पड़े तो उसको आंख से भी बताते हैं, और यदि वो जुबान की भाषा समझे तो जुबान से भी उसको समझाने का काम करते हैं। मगर हमारा पहले निश्चित ये होता है कि पहली बार जब बात की जाए उससे आराम से करें, यदि वो कार्य नहीं करता तो रूप हमारे सारे हैं, जनता का काम होना चाहिए, चाहिए उसके लिए जो मर्जी रूप धारण करना पड़े। तो कार्यकर्ताओं के लिए पूरा स्टैंड रहता है सर आपका? शत प्रतिशत कार्यकर्ताओं के लिए 100% हम हमेशा दिन रात दोपहर शाम, चाहे धरती करनी पड़े चाहे आसमान करना पड़े, हम हमारे पास आए हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को निदान कराने का काम करते हैं, उसकी समस्या का निदान हो। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास पोर्ट। प्रदेश में नायब सरकार है और डबल जन की सरकार इसे कहा जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां 24 घंटे लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से चर्चाएं करते हैं, तो वहीं सिरसा में अमन चोपड़ा का परिवार भी लगातार लोगों के बीच रहता है। तो इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे 24 घंटे सिरसा को समर्पित हैं आप? जी निश्चित रूप से हम 24 घंटे, हमारा परिवार पूरा सिरसा की जनता को समर्पित है। और इस विषय में लगभग पिछले 10 वर्षों से लगातार मेरे पिताजी भी और मैं भी निरंतर रूप से जनता के बीच में हैं, और कार्यालय में निरंतर रूप से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनको समाधान करवाने का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं जनता भवन रोड पर मेरा कार्यालय है, जिसमें मेरी पिछले 10 वर्षों से आज तक ये दिनचर्या रही है, और उससे पहले भी ये दिनचर्या थी, जो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम बिल्कुल पब्लिक के लिए है, जो भी आता है उसकी बात को सुन के उचित समाधान करवाने का काम किया जा रहा है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी लगातार लोगों की शिकायतें सुनते हैं, 2-2 बजे तक लोगों के बीच मुलाकात करते हैं, और वहीं सिरसा में चोपड़ा परिवार भी लगातार लोगों के बीच रहता है, 2-2 बजे हो 3 बजे हो दिन की बात करें फ़ोन भी आपके पास सारे आते हैं, तो कैसे सब कुछ मैनेज होता है सर, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को तो परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि आप देखें किस तरह से रात को 2 बजे भी यदि कोई उनसे मिलने जा रहा है तो वो उससे मिल रहे हैं। और यदि मैं पूर्व की सरकारों की बात करूं तो 6 बजे भी नहीं होते थे, 5 भी नहीं बजते थे शाम के, जब मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे लोगों के लिए बंद हो जाते थे पूर्व की सरकारों में। और ये एक दिव्य शक्ति उनके साथ काम कर रही है, माननीय नायब सैनी जी के साथ, कि वो रात तक दिन रात एक कर रखा है उन्होंने, और लोगों की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, और उनको कितनी आत्मीयता भाव से मिलते हैं, ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है, बहुत बड़ा बड़प्पन है। चोपड़ा परिवार का सर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा स्टैंड रहता है, आम पब्लिक की बात करें तो उसके लिए भी स्टैंड रहता है, जहां अधिकारियों से आप मिलते हैं मिलन स्वभाव में बातें होती है, तो कई बार देखा यह जाता है कि जब अधिकारी काम नहीं करते या सुनवाई नहीं होती तब आप एक रुद्र रूप में भी बातचीत करते हैं। देखिए जहाँ तक कार्यकर्ता की बात है तो हम भारतीय जनता पार्टी संगठन के सच्चे सिपाही हैं, और हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, और संगठन के कार्यकर्ता के लिए हम अपना खून का एक एक कतरा भी बहा सकते हैं उसके कार्य के लिए। अधिकारियों की आपने बात करी है कि अधिकारियों को देखिए, हमारी बड़ी विनम्र बात करते हैं हम अधिकारियों से, यदि जिसको आंख दिखाने की बात करनी पड़े तो उसको आंख से भी बताते हैं, और यदि वो जुबान की भाषा समझे तो जुबान से भी उसको समझाने का काम करते हैं। मगर हमारा पहले निश्चित ये होता है कि पहली बार जब बात की जाए उससे आराम से करें, यदि वो कार्य नहीं करता तो रूप हमारे सारे हैं, जनता का काम होना चाहिए, चाहे उसके लिए जो मर्जी रूप धारण करना पड़े। तो कार्यकर्ताओं के लिए पूरा स्टैंड रहता है सर आपका? शत प्रतिशत कार्यकर्ताओं के लिए 100% हम हमेशा दिन रात दोपहर शाम, चाहे धरती करनी पड़े चाहे आसमान करना पड़े, हम हमारे पास आए हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को निदान कराने का काम करते हैं, उसकी समस्या का निदान हो। अच्छा, चोपड़ा परिवार की बात करें, अमन चोपड़ा की बात करें, नेटवर्क इतना मजबूत सर कैसे हो पा रहा है, लगातार लोग आपके पास आ रहे हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्थापित हो पाते हैं सबसे? देखिए भारतीय जनता पार्टी में सबसे विशेष बात यह है, मैं या अमन चोपड़ा कुछ नहीं है, मैं मेरे संगठन से हूँ, जो मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी हमें मजबूत कर रही है तो हम मजबूत हो रहे हैं। तो लोग तो चाह रहे हैं कि अमन चोपड़ा विधानसभा का चुनाव लड़े, अमन चोपड़ा का स्टैंड क्या है? देखिए हम कार्यकर्ता हैं, हमारा काम कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना है, हम वो कर रहे हैं। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, अगर कोई शिकायतें हैं तो सुनवाई के लिए समय क्या रहेगा, कब से कब तक आप अवेलेबल मिलेंगे आपको? देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो पार्टी की तरफ से कार्य भी बहुत दिए जा रहे हैं, मैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक कार्यालय में शत प्रतिशत रहता हूँ, और जो भी लोग आम जन या आम मानस जो भी आना चाहें जब मर्जी आ सकें उनका स्वागत है।
एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे सीधे तौर पे कम्युनिकेशन हो जाएं, अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो फोनोमेटिक भी उसके हल निकल जाए। मेरा मोबाइल नंबर 9354700005 है। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, चाहे रात को करो चाहे दिन को करो, चाहे आप अजमा के देख लेना कि फ़ोन उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता। हाँ जी, यदि मैं किसी मीटिंग में हूँ तब शायद मैं आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ, तो ये भी निश्चित रूप से है कि मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा। मतलब रिप्लाई आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो बिल्कुल जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार लोगों की समस्याएं सुनते हैं, दो दो बजे तक अवेलेबल रहते हैं, तो वहीं सिरसा में अमन चोपड़ा जी का पूरा परिवार लगातार लोगों के बीच है, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, नंबर भी आपको बता दिया गया है और हर तरह की समस्याओं के लिए प्रॉपर ढंग से स्टैंड भी लिया जाता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।